थोड़ा लंबे से दूर दूर अरे क्या कर रहा भाई तू यार क्या कर रहा है अच्छा क्यों टॉली चला रहा है पीछे चलो बाइट लेना चलिए जो बॉलीवुड में आज तक बॉलीवुड में सबसे अच्छी मूवी मेरे को ये लगी और जिस तरह का रिस्पांस और प्यार लोगों से मिल रहा है एंड जो मूड में आई है उसके बाद से जिस तरह प्यार मिला उसके बारे में सर पहले से व्हाट ही से यू अंडरस्टूड व्हाट ही सेड आई फुली डिडंट अंडरस्टैंड ही सेड दैट दिस इज बीइंग सर हां सर द काइंड ऑफ लव दिस मूवी हैज गॉट इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी दैट एवर प्रेजेंट इन बॉलीवुड एज वेल एज इन हॉलीवुड द रॉकेट मूवी I'm talking about the Rocket movie. There are so many Rocket movies in Hollywood also. But this story is something different story. I just want to know the kind of response you guys have got. तो हिंदी में बोले सर यू से इन इंग्लिश फर्स्ट नो सर चलेंगे देखिए हम जब पिक्चर बना रहे थे हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग नंबी नारायण साहब की कहानी बोले ताकि लोगों में इनके बारे में पता तो चले कि इन्होंने क्या हासिल किया और हमारे देशभक्त होते एक्चुअली कैसे हैं तो इस बात से मैं बहुत खुश था कि पिक्चर बन गई और रिलीज़ हुई लेकिन रिलीज़ होने के बाद जो हमें लोगों से प्यार मिला है जो हमें मीडिया से लेकर लोगों से लेकर सबसे लेकर जो प्यार मिला है उसका सबसे बड़ा तात्पर्य मुझे मेरे लिए जो सौभाग्य रहा है वो ये है कि जब मैं नंबी नारायण साहब के घर पहली बार गया 6 साल बाद तो मैं उनके फैमिली से मिला और उनके फैमिली के सारे लोग मुस्करा रहे थे उनकी बीवी स्माइल कर रही थी और मैं चाहता हूँ कि ये बैठ जाएँ ये बहुत ज़रूरी है कि बैठ जाएँ कम इट्स बेटर आई दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टैंड रेडी तो इनकी पूरी फैम And one more chair if they put you, it will be okay for you. No, they just have a chair. Yeah. So, इस टाइप के रिएक्शन तो मैंने एक्सपेक्ट हमने हमें लगा था कि लोग इनके बारे में जानेंगे लेकिन पिक्चर के लिए इतना प्यार हमने नहीं उम्मीद की थी और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे ऑडियंस के लिए कि वो थिएटर में गए फिर वो OTT पे जाकर पिक्चर देखे फिर OTT में देखने के बाद वापस आके थिएटर में आज भी देख रहे हैं और आज भी अगर हमारे 6 हफ्ते बाद भी अगर हमारा फिल्म स्क्रीन पे है तो इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है In fact, in this movie, you have not shown anything. Most of the movie is the truth, what has really happened. You take any scene, for example, which sometimes you will find it very difficult to believe. Like, for example, what has happened in the auto rickshaw scene, or what has happened when I come back from the jail to the house, or how we received the news from the Supreme Court. Everything is true to the core. In fact, I consider this is a... To answer his question, earlier question, it was a huge response. Not even one review about the movie is bad. Yes. Everything is appreciating the whole movie. And we were happy because though we had difficulty in, for example, in the first half we showed a lot of technical parts. So we were wondering what kind of response will be there. But in the second half, you know, there were emotions. So in general, I find we are satisfied, we are happy. And the response was huge and... Is there any scene you didn't like in the movie? Why would you ask him that question? Sir, answer. No.
I personally liked every scene. In fact, there are so many scenes which, if I have to answer your question, if I don't like, they are yet to be made. अच्छा आपको best compliment क्या मिला नंबी सर से जब आपने फिल्म दिखाई और क्या कहा इन्होंने आपसे? नंबी नारायण साहब का पहले बात तो respect जीतना बहुत बड़ी बात है और फिर उनके साथ उनको ये convince करना कि मैं उनके science के बारे में समझ पा रहा हूँ वो उससे भी बड़ी बात है पर जब मुझे इनको ये बताना पड़ा कि मैं इनके केस के बारे में नहीं बल्कि इनके इंजन के बारे में बात करना चाहता हूँ तो ये मुझे अलग तरीके से देखने लगे इनको लगा कि एक एक्टर जो है ये मेरे लिक्विड फ्यूल इंजन के बारे में क्या बताएगा और कैसा जानेगा इसको मैं कैसे समझाऊँ तो ये सब चीज़ों को पार करने के लिए जो मुझे कन्विंस करना पड़ा नंबी साहब को कि मैं साइंस के बारे में जानता हूँ तो एक टाइम पे इन्होंने आके मुझे कहा जब मैंने उनको अपने साइंस के बारे में और इनके समझ मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजी को समझने में मैंने इनको कन्विंस किया तो उन्होंने कहा कि काश तू मेरे एक टीम का मेंबर होता तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सर उनकी किताब भी आई थी जिसमें मैंने पढ़ी है पूरी किताब पर उसमें अचीवमेंट का ही नहीं दिखी थी मुझे वो किताब बट मैंने ये जब मूवी देखी अचीवमेंट काफ़ी सारी दिखी होंगी तो सर आपका कई हद तक ये गोल था कि अचीवमेंट दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है द वे पीपल लुक एट हिम अचीवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो इनमें मूवी में काफ़ी सारी अचीवमेंट मैंने देखी मूवी को तो क्या आपका भी सेम मोटो था कि अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हाँ क्योंकि हमारा फिल्म का टैगलाइन था कि समटाइम्स अ मैन रॉन्ग इज अ नेशन रॉन्ग जब तक यह नहीं पता चलेगा कि इनका इनके साथ जो सुलूक किया गया वो हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद कर दिया या हमारे रॉकेट इसरो और हमारे जो रॉकेट साइंटिस्ट इस केस के वजह से कितना मतलब उनको बाधा पहुँचा है ये हम नहीं दिखाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम किन के साथ हमने किन के साथ ये किया और ये हमारे लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये खुद ही नहीं बात कर रहे थे अपने अचीवमेंट के बारे में तो मैंने कहा कि अगर मैं इनके अचीवमेंट को नहीं बताऊंगा तो कम पूरी दुनिया को ये तो नहीं पता चलेगा कि किसके साथ अन्याय हुआ इसीलिए मैंने 90% ऑफ द फिल्म इनके अचीवमेंट के बारे में बताया देखिए मैं तो नहीं कर रहा अभी क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और फिल्म अगर फौरन डायरेक्ट करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना फालतू डायरेक्टर हूँ ये डर है मुझ में क्योंकि ये कहानी कैसे बन गई ये खुद मुझे नहीं पता लेकिन नंबी नारायण साहब खुद कहते हैं कि इस देश में ऐसे बहुत सारे नंबी नारायण हैं जिनके बारे में कहानी बताना ज़रूरी है और जिनके बारे में पिक्चरें बनना ज़रूरी है मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जल्दी बहुत सारी कहानियाँ बाहर आएंगी सर शाहरुख सर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा पूरा ओवरऑल जो हमने देखा इंटरव्यू में पूरा मूवी की शाहरुख सर का किरदार कितना आपको अच्छा लगा जब हम करते सीन वो डिफरेंट लगता है बट हम जब स्क्रीन में देखते काफ़ी अलग किरदार लगता है सर हाउ ब्लेस यू आर टू हैव अ शाहरुख सर इन दैट नो इट जिस तरीके से शाहरुख साहब ने माफ़ी मांगी है और जो सिंसेरिटी के साथ उन्होंने मांगी है मुझे लगता है कि पूरा देश उसी तरीके से माफ़ी मांगना चाह रहा था नंबी नारायण साहब से और नंबी नारायण साहब मुझे लग रहा था कि थोड़ा नर्वस होंगे शाहरुख के साथ एक्ट करने में पर ये तो वो एकदम रॉक स्टार निकले और उन्होंने एकदम सामने खड़े होकर जो परफॉर्मेंस दिया आपने दिखाई है तो पिक्चर रिलीज़ होने से पहले मैंने कहा था कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं लेकिन हमने इस फिल्म में ऐसे कई चीज़ें की है दुनिया में पहले कभी नहीं किया हो वो सारी चीज़ें आपने आज देख ली होंगी तो वन ऑफ दैट इज गेटिंग शाहरुख टू व्हाट ही डिड थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस मूवी जय हिंद जय सतीश सर एक मिनट सर होल्ड कीजिए ना सर सर रुको ना सर थोड़ा आगे थोड़ा आगे सर लाइट नहीं पहुंच रहा मैम थोड़ा आगे आइए क्या टोन है अरे अरे टोन चाहिए भाई मुझे हर सुन लो रुकिए रुकिए सर सर होल्ड सर एक मिनट सर बैठिए सर राइट अरे हाई क्या भाई बच्चा सर राइट सर वेट वेट सर लुक कैंडा चलो ओके थैंक यू सर थैंक यू सर ये भाई टोन नहीं मिल रहा भाई थोड़ा वाइट ब्रश करना रुकिए ना मैडम आगे आइए ना प्लीज और लाइट दे भाई अच्छा उसका भाई बस 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 आया
अरे यहां हां बीच में आओ हां बस कड़क लुक यू प्लीज मैम मैम लुक सेंटर लुक यू लुक यू मैम लुक सेंटर बोले ना मैम थैंक यू जय हिट है।